कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ PS4 गोल्डन चीट मैनेजर 1.1.0 अवेलेबल न्यूज एंड अपडेट है 1 जून 2023 को। और इस अपडेट के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं गोल्डन चीट मैनेजर के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि गोल्डन चीट मैनेजर क्या है, तो ये बेसिकली हमारी गेम्स में चीट्स को अप्लाई करने के लिए एक ऐप है, जिस ऐप के थ्रू हम सभी लेटेस्ट गेम में डे वन पर स्क्रैच और चीट्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हर गेम के साथ नए अपडेट चीट हो जाते हैं, तो अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिए और अब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं 9.00 PS4 से नीचे वाले वर्जन पे। सो यहाँ पर क्या कुछ नए एडिट फीचर्स हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं। एडिट टू डिलीट पैचेस सेटिंग, यहाँ पर आपको अब डिलीट भी कर सकते हैं पैचेस को। इसी के साथ साथ सपोर्ट फॉर मास्क पैटर्न फ्रॉम फिल्टरिंग, यहाँ पर पहले हमें सर्च करना होता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको फिल्टर भी मिल जाएगा, जिससे आप हर वर्जन के गेम को और सिक्वेंस वाइज गेम को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी नया फीचर है दोस्तों। और सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर अपडेट हुई है दोस्तों, वो है अपडेटेड चीज फ्रॉम वेब HDD और USB। पहले जो अपडेट किया करते थे हम चीट, वो हम वेब से किया करते थे, यानी कि हम नेट को कनेक्ट कर ऑटोमेटिकली चीट अपडेट हो जाते थे जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते थे। लेकिन यहाँ पर नया ऑप्शन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके थ्रू अब हार्ड ड्राइव या USB ड्राइव के थ्रू यहाँ पर नए अपडेट्स और नए चीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। इसकी हेल्प से दोस्तों अब यहाँ पर आपको चीट्स वगैरह अपडेट करने के लिए अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप बैकअप कर सकते हैं, अलग PS4 में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसको अपडेट किया जा सकता है और आप अपने आप से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है। ये है इसका गेटहब पेज, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप सारे सोर्स और डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो कुछ नया यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसकी जो फाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन डाटाबेस में जाकर मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर जो चीट्स है, ये चीट की फाइल है, और यहाँ पर एक दूसरी फाइल जो है वो चैट की है। तो इन दो फाइलों के थ्रू आप हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव के इस्तेमाल कर आप ऑफलाइन भी चीट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, इनको PKG के थ्रू इंस्टॉल कर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। इंस्टॉल नहीं किया पैकेज चीट मैनेजर, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा फीचर है आपकी गेम के लिए, चीट्स का इस्तेमाल करने के लिए काम आता है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और कर लें चैनल को सब्सक्राइब। फिर आपके बीच में लेकर हाजिर होगा इस तरह की कुछ नई जानकारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।